una ayuda a organizar el proceso de la propia consultativa. This question number one. Yes, sir. क्वेश्चन क्या है कि आर्टिकल 6000 रुपए में बेचा गया, ठीक है, 40% लॉस के साथ। तो ये बता रहा है कि अगर हमें 25% का प्रॉफिट चाहिए था तो आर्टिकल को नेगेटिव कितने में बेचना है? 182 डॉलर, ठीक है। तो हमने आपके लोग कितने में था 6000 रुपए में 40% लॉस के साथ। इसका मतलब एसटी क्या है हमारा 6000, लॉस क्या है 40%। इसको मतलब हम सीपी निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सीपी कितना जाएगा देखिए, 6000 × 100/60%, ठीक है, मतलब 100 − 40 कितना आएगा 10000। अब सीपीआर क्या हमारा 10000 आर्टिकल का। अब हमें ये कितने पे बेचना था 32% प्रॉफिट के साथ। अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए
32%, इसका मतलब SP क्या होना चाहिए था? जब तक फोर्स का CP मल्टीप्लाई 100 प्लस P अपॉन 100, ठीक है।
सी भी क्या आ जाएगा हमारा, अब एस पी है 54, प्रॉफिट है 18, तो सी भी क्या होता है एस पी माइनस प्रॉफिट, ठीक है, तो सी भी क्या आ जाएगा हमारा 54 माइनस 18 36, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट अपॉन सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, ये कितना आएगा 50%। क्वेश्चन कह रहे हैं
CPO 30 articles is equal to SPO 25 articles. ये अपना percentage loss होगा, percentage growth होगा. देखो इसमें भी profit ही होगा. क्योंकि अगर हम 30 articles लिखते हैं, जितने के वो आएंगे, उतने के हम 25 articles बेच सकते हैं. इसको अगर 5 articles हमारे पास फिर भी बच जाएंगे. इसको अगर 5 ही हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, इसमें भी लेट कीजिए. हमने लेट किया एसपीओ 25 आर्टिकल्स किया 100, जिसको मतलब एसपीओ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा 4, 100 से डिवाइड करके 25 से, तो एसपीओ 30 आर्टिकल्स 120, ठीक है? अब सीपीओ 30 आर्टिकल क्या हो जाएगा 25 आर्टिकल्स इक्वल है, जिसको मतलब 100. अब एसपी हमारे पास 120, सीपी 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा 120 माइनस 100 20, ठीक है? अब परसेंटेज प्रॉफिट, Gracias.